वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट 1.70। तो गाइस अब मैं अपनी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं माइनक्राफ्ट 1.70 में। तो हम इस वर्ल्ड का नाम रखेंगे गेमिंग जोन और फुल सर्वाइवल में होगा। नॉर्मल डिफिकल्टी स्टार्टिंग नहीं, सीड नहीं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑन रखते हैं। चीट्स ऑफ होगी गाइस, और ये सारे एक्स्ट्रा वो भी नहीं, और रिसोर्स पैक में भी कोई एक्टिवेट नहीं है बस। और मैं सीड डाल रहा हूं, नहीं गाइस काम करते हैं रैंडम सीड खेलते हैं। और भाई आप देख सकते हो रॉ आयन, रॉ कॉपर और बहुत सारी नई चीज़ें आई है। तो हम सब चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और ये सर्वाइवल सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब वीडियोस में गैप नहीं रहेगा गाइस। तो मैं ये खत्म जाए उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइस अब हम वर्ल्ड में आ चुके हैं। सबसे पहले वर्ल्ड जनरेट थोड़ा सा होने देते हैं, हो गया अब वर्ल्ड जनरेट। और गाइस मैं अब से ना क्रशर के साथ खेलूंगा। वुड को हम ब्रेक करते हैं और क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। और गाइस हम हमें बोट भी बनानी होगी, तो थोड़ा सा और वुड हमें चाहिए। और गाइस मैं आपको एक रेसिपी बताने ही भूल गया, वो अभी तो नहीं दिखा सकता। पर सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स, क्राफ्टिंग टेबल को हम इधर रखते हैं। और गाइस ये जो चीज़ है वो है कहाँ क्या स्पाइक ग्लास। गाइस हम दो कॉपर इंगट और एक एमिथिस्ट शार्ट से स्पाइक ग्लास बना सकते हैं। ये ऑप्टिफाइन जैसा काम करता है। सबसे पहले एक एक्स पिकैक्स, फिर अभी बोट की रेसिपी क्या होती है एक सवाल, और अब ये बोट। तो गाइस सबसे पहले हम इसको माइन कर लेते हैं। और गाइस अभी आप देख सकते हो ये आ गया, ये रहा कोर का नया टेक्सचर, मैंने ऐड नहीं किया गाइस। और गाइस आपको पता ही होगा कि नया टेक्सचर पर कोल तो वही है जो है वो, तो हम थोड़ा सा कोल भी ले लेते हैं अभी। तो गाइस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा कोल। अभी हम किधर स्टोन तो ही नहीं, ये स्टोन थोड़ा सा स्टोन भी माइन कर लेते हैं। इससे हम डायरेक्ट स्टोन का टूल्स बना लेंगे सुपर स्लो, पर कोई बात नहीं, जितना स्टोन हो सके उतना मैं अभी माइन कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ गाइस। मैंने अभी सिर्फ 11 स्टोन माइन किया है, पर बाकी के स्टोन इधर है इसलिए, तो ये जल्द से जल्द हो जाएंगे माइन। फिर मैंने देखा कि आ गई वो स्प्रूस वुड की बायो में, तो हम उधर चलते हैं क्योंकि गाइस स्प्रूस वुड गेम का बेस्ट वुड है। अभी हम इधर से सीधा ऐसा करके इधर आ जाते हैं और अभी सीधा ऊपर चलते हैं। और गाइस अभी जैसे कि आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं स्प्रूस बायो में। तो सबसे पहले मैं ये और ये ऐसा माइन करके ये जो है स्प्रूस के वो ले लेता हूँ, और एक सैपलिंग भी आ चुकी है अपने पास। मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि स्प्रूस की 4 सैपलिंग मिल जाए। बस ये मैंने नहीं किया था साउंड इफेक्ट एडिटिंग में, ये गेम का ही साउंड था, पर पता नहीं क्यों ऐसा आ गया कुछ। और मुझे 2 तो मिल चुकी है। और अभी गाइस मैं 2 ही मिली है, मैं इसको चेक मिल जाने के बाद आपको मिलता हूँ। स्प्रूस की सैपलिंग तो नहीं मिली, पर मुझे गाइस वो ये जो नया मॉब ऐड हुआ है वो मिल चुका है, आपको अभी दिखाता हूँ। ये रही गाइस गोट। और गाइस हमें सामने लिख गया है विलेज, तो विलेज भी चलते हैं। सबसे पहले ये ऐसा किया, इसको हम जल्द से जल्द कर देते हैं। और गाइस हमें अभी भी स्प्रूस की सैपलिंग तो नहीं मिली, पर ओके मिल गई। और गाइस आपको पता है कि गोट के सामने कोई भी सॉलिड ब्लॉक होगा और वो हम पे अटैक करेगी, तो उसका हमें मिल जाएगा। और गोट का सबसे कम फॉल डैमेज है अभी के टाइम पे गेम में। गाइस मैं ट्राई करता हूँ इधर से सीधा वाटर में जंप करने का। हाँ गाइस मैं कर दिया, और ये विलेज पे हमें देखते हैं क्या मिलता है। मैं इधर से शुगर कैन भी ले लेता हूँ। और गाइस विलेज पे आज की रात हम देखते हैं, और फिर स्प्रूस वाली बात है, इसलिए मैं ट्राई करूँगा इधर ही रहने का। इसका चेस्ट में गाइस हमें थोड़ी सी ब्रेड और थोड़ा सा ये मिल चुका है। अब आगे देखते हैं, और फिर इसमें भी वही सारा सामान था, पर नहीं इसमें ये ज़्यादा था। और मैं अपना रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर देता हूँ पहले इधर। अभी भाई आप देख सकते हो मुझे एक आयरन का नगेट मिला। अब हम थोड़ा सा भाई इन लोगों ने घर कैसा बनाया अपना, सबसे पहले इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और फिर इधर से ऐसा ना है। और अभी सीधा स्प्रिंट जंप करके इधर, और फिर हम पहुँचेंगे इधर। और भाई इधर ये क्या जिस मुझे पता है ये था क्या, अरे गाइस मैंने गलती से वुड को स्ट्रिप कर लिया, कोई बात नहीं विलेज वाले इतना तो चले ही लेंगे। और ये ब्रूइंग स्टैंड, और ऊपर भी कुछ रखा नहीं था तो सेकंड फ्लोर बना ही क्यों। और गाइस इधर इनका फार्म भी है, वो भी हम देखेंगे बाद में। अभी मैं स्टैंड जंप करके एक सेकंड गाइस इसका वुड घर के चलेगा, पर इसको हम पिक कर देते एक बार। हमें ये कार्टोग्राफर का घर मिला है, नहीं लाइब्रेरियन का, पर देखते हैं उसके पास कुछ तो हो गई। ये कुछ अलग टाइप का लाइब्रेरियन है, नीचे लेफ्ट है और ऊपर सारी बुक्स है इसलिए। तो गाइस हमने डे 1 सर्वाइव कर लिया है, और अभी देखते हैं आगे। एक सेकंड गाइस मुझे लगा कि ये नॉर्मल डट नहीं, वो नई वाली डट है, पर कोई बात नहीं अभी हम थोड़ा सा आगे। एक सेकंड मैं थोड़ा सा फूड हाथ में ले लेता हूँ। ये हो गया गाइस, अब सीधा इधर से पहले आके इधर मैं एक ये प्लैंक लगा देता हूँ विलेजर्स के आने जाने के लिए, और इधर भी ऐसे ही करता हूँ। और तो और अब हम देखते हैं आगे ऊपर जाके। एक सेकंड मैं इस तरफ आ गया था, मुझे तो इस तरफ गाइस मैं वापस से जो साइड आया था उसी साइड चला गया, पर कोई बात नहीं। और भाई समय इधर से भी बहुत सारी चीज़ें मिल गई। और क्राफ्टिंग टेबल में हम सबसे पहले एक स्टोन की स्वॉर्ड बना के आयरन गोलम को मारेंगे, पर देखते हैं अभी इसको ऐसा फिर इसको हम ऐसा करके तोड़ देते हैं। और भाई इधर अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर है,
और इस तरफ का मैं आ चुका हूँ, अब मुझे इस साइड का सारे घर एक्सप्लोर करना है। और गाइस इसके घर में तो चेस्ट ही नहीं है, पर कोई बात नहीं, जो सबसे ऊपर अभी है उसके घर में हो गई चेस्ट, इसीलिए उसका घर कुछ ऊपर की साइड ऐसे जनरेट हुआ है। और गाइस मुझे पता चल गया कि इसका घर ऐसे क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि ये घर सिर्फ ऊपर की साइड ही होता है, नीचे की साइड नहीं होता, आप देख सकते हो, नहीं हो भी सकता है, हाँ है गाइस। और इधर एक चेस्ट है और मैंने सारी चीज़ें ले ली अभी, और गाइस अभी तो मैं गिरते गिरते बच गया, और ये घर भी सेम टू सेम वैसा ही है। और गाइस नीचे एक अरमर है, वो तो हर बार अकेला ही रहता होगा, और देखते हैं ये ट्रेड क्या कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ ट्रेड नहीं कर रही है। पर अब शायद से गाइस हमें और एक नया मॉब मिल चुका है, ये है ग्लोसफील्ड, और गाइस इस जगह पर बहुत सारी है, तो अब मैं अपना घर तो साइड ही बनूंगा। ये देखिए गाइस ग्लो इंसेक, और अभी एक सेकंड ये रिसीव, हम अभी तो आयरन गोलम को देखते हैं कि किधर है वो, एक सेकंड गाइस ये उधर है, और अभी हम सीधे उसके पास चलते हैं, और अभी हम इसको सबसे पहले मारेंगे, पर ये है किधर गाइस, इसलिए मैंने अपना रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर दिया था, क्योंकि आयरन गोलम बहुत टाइम ऐसे भी हो सकते हैं कि हम अभी कुछ किसी जगह पे पहुँचे उससे पहले ही वो हमें मार देता है। और गाइस मैंने अभी क्या गलती कर दी, सीधा मुझे जाकर उसको मारना ही था, पर अब देखते हैं कि अब तो हम उसको मार कर ही रहेंगे। एक सेकंड हाथ में शॉट ले लेता हूँ, उसका डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा है। अब तो गाइस मैं अंदर भी पहुँच चुका हूँ, और अब ये कोई भी साइड से आ सकता है, उसको मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे, और गाइस अब के वर्जन में इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा लंबी हो गई है ऐसा लग रहा है। मुझे सारा सामान तो मिल चुका है अपना, और अभी मैं इस वाले ब्लॉक पे नहीं, इतना नहीं करते हैं, सीधा इधर से रखे, इधर से और इधर रखे, फिर हम इसको मारते हैं, और वो इधर आ तो नहीं पाएगा, और अब हम इधर रखे, और गाइस उसको शॉट लग रही है। गोलम से 3 आयरन मिले थे, तो हमने उसकी बकेट बना लिया, और अभी एक सेकंड गाइस। तो गाइस आज की वाली वीडियो के लिए बस इतनी ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और गाइस मैं अभी इस वाली स्किन के साथ ही खेलूंगा, ये अच्छी लग रही है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देख लीजिए। तो आज की वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय।